स्टूडेंट्स वेलकम। दिस इज योर कंप्यूटर क्लास एंड आई एम योगेश मिश्रा योर कंप्यूटर टीचर। द फर्स्ट चैप्टर इज इंटरनेट बेसिक्स। इंट्रोडक्शन। इंटरनेट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स इन द वर्ल्ड टुडे। This technology marvel with its powerful feature is accessed by most of us almost on a daily basis, be it to look for some information, for emailing, for paying bills, for accessing social networking sites like www.facebook.com, www.twitter.com for chatting and much more. The World Wide Web, which is a part of the internet, has grown at an amazing speed and continues to grow as the technology is improving. The web is being regarded as an indispensable tool in areas of education, business and entertainment. There are billions of pages on the web, with thousands more being added every hour. The internet has become the single most important factor to influence the future of the world. Let us try to understand this technology wonder better. Well, students, this chapter is about internet basics, and these are all part of internet, means www, social networking sites, emails and many other internet related services are provided by using www. और जैसा कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रहा है, जो कम्युनिकेशन है वो भी इम्प्रूव कर रहा है, एजुकेशन के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में एंड एंटरटेनमेंट के फील्ड में, हर फील्ड में ये इम्प्रूव कर रहा है। वेल, आगे चलते हैं। इंटरनेट डिफिनीशन एंड हिस्ट्री। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड computer networks that use the standard internet protocol suite TCP/IP to service billions of users worldwide by allowing continuous communication between computers across the world. Well, internet a global system of interconnected computer networks hota hai, yani ki it is an international network. ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है, और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट जो होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP, इसके रूल रेगुलेशंस को फॉलो करता है एंड इट प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ बिलियंस ऑफ वर्ल्ड वाइड by allowing continuous communication between computers across the world, जिसमें ये हजारों लाखों computers को आपस में daily communicate करता है और पूरी दुनिया में communication को establish करता है और data transmission को effected करता है। Well, internet is the largest network in the world that connects thousands of smaller individual networks and millions of computers with each other to facilitate communications. How did such a huge network come into existence? Well, jaisa ki aapko malum hai ki internet is the largest network in the world that connects thousands of smaller individual networks and millions of computers with each other to facilitate communication. Internet सबसे बड़ा network है जिसमें हजारों छोटे छोटे network और लाखों
कंप्यूटर्स, करोड़ों कंप्यूटर्स कम्युनिकेटेड, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड दे आर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड. वेल सी हियर, हाउ डिड सच अ ह्यूज नेटवर्क कम इन टू एग्जिस्टेंस. हम यहाँ सब आज देखेंगे कि कैसे ये नेटवर्क इतना बड़ा हुआ. लेट अस टेक अ ब्रीफ लुक एट द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क. वेल टेक्नोलॉजी, आर्पानेट 1969. द इंटरनेट बिगेन इन 1969. इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हुई व्हेन साइंटिस्ट्स अंडर अ प्रोजेक्ट ऑफ द यूएस मिलिट्री एजेंसी आर्पा लिंक्ड कंप्यूटर्स ऑफ थ्री यूनिवर्सिटीज. उस समय जो यूएस के साइंटिस्ट थे और जो यूएस की मिलिट्री थी, मिलिट्री की जो एजेंसी थी आर्पा, इन लोगों ने मिलकर और थ्री यूनिवर्सिटीज़ की कंप्यूटर्स को आपस में लिंक किया. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सांता बारबरा एंड उथ एंड द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट टू असिस्ट देम इन कंडक्टिंग बेसिक रिसर्च थ्रू इंफॉर्मेशन शेयरिंग. और इन तीनों ने आपस में कनेक्ट करके और इंफॉर्मेशन शेयरिंग को चेक किया, टेस्टिंग की. दिस प्रोजेक्ट वाज नोन एज आर्पानेट, और इसलिए इस प्रोजेक्ट को आर्पानेट कहा जाता है. आर्पा यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एंड नेट मींस नेटवर्क. बाय दिसंबर 1971 आर्पानेट लिंक 23 होस्ट कंप्यूटर्स टू ईच अदर एंड वेंट पब्लिक इन 1972. और 1971 में आर्पानेट ने 23 दूसरे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा और ये धीरे धीरे 1972 में पब्लिक, मतलब और भी लोगों को, और भी नेटवर्क को बड़े रूप में इसने बड़ा रूप दे दिया. वेल ईमेल इन 1971, ईमेल वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1971 बाय रे टॉम लिंसन. एंड ईमेल मींस इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है. इसको सबसे पहले रे टॉमलिंसन ने 1971 में डेवलप किया. ही ऑल्सो मेड द डिसीजन टू आस द एट द रेट सिंबल टू सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम द कंप्यूटर नेम विच लेटर बिकेम नोन एज द डोमेन नेम. और उसने सबसे पहले डिसीजन लिया कि जो एट द रेट सिंबल है इससे हम यूजर नेम और कंप्यूटर को सेपरेट करेंगे, जिस जो बाद में कंप्यूटर नेम एज अ डोमेन नेम हो गया. द फर्स्ट मॉडर्न ईमेल प्रोग्राम कॉल्ड MSG वाज डेवलप्ड बाय जॉन विटेल इन 1975. ओके, वेल द थर्ड इज TCP/IP. In 1974, TCP means Transmission Control Protocol and IP means Internet Protocol. To enable communication between computers in the early 1970s, scientists developed host-to-host protocol to effectively merge the two host computers into one for the time so that the link was established between them. 1974 saw the development of a common language that would allow different networks to communicate with each other. Within a matter of a few years, this led to the development of the Transmission Control Protocol, Internet Protocol suite of protocols. In 1982, the ARPANET adopted TCP/IP. All the ARPANET switched onto the TCP/IP suite of protocols. Well, protocols are the set of rules. ये सेट ऑफ रूल्स है, मीन्स जस्ट लाइक
rules for transferring data and establish communication between computers. And ARPANET adopted this protocol in 1982, and after that the complete network is based on TCP/IP. Okay, so it is very important protocol of internet, and it helps for transferring and delivering information from one computer to another computer into the network. Well, next topic is DNS, domain name servers. In 1984 DNS were introduced. 1984 में DNS को introduced किया गया. New domain names such as .com, commercial, .edu, educational, etc. were introduced in addition to .org, international organization, and a series of country code like .in for India, .jp for Japan, .us for United States of America, and so on. So domain name servers were introduced, and the main purpose of DNS for assigning domains to a particular websites and assigning and categorizing the websites which are related from any specific type of domain, like commercial websites, educational websites, non-profit organizations, and country name, country code also included with the websites. Okay, next, .nsfnet means National Science Foundation Network. In 1985, the NSFNet was established to serve as the backbone to the ARPANET and other scientific networks. Many private and commercial networks also emerged. Well, जब ARPANET और भी बड़े रूप में नेटवर्क बढ़ता गया, कंप्यूटर्स का नेटवर्क बढ़ता गया, तो 1985 में नेशनल साइंस फाउंडेशनल नेटवर्क ने इस्टेब्लिश किया 1985 में, और ये एज अ बैकबोन ARPANET के लिए एज अ बैकबोन सर्व करने लगा, और बहुत सारे अदर नेटवर्क्स को भी इसने मर्ज कर लिया आपस में, और ये एक बड़े रूप में कन्वर्ट हो गया. नाउ WWW वर्ल्ड वाइड वेब. इन 1990 द टर्म WWW वाज कॉइन्ड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1990 व्हेन ही वाज वर्किंग टू डेवलप द स्टैंडर्ड्स फॉर HTML, HTTP एंड URLs. वेल, जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसको टिम बर्नर्स-ली ने 1919 में वर्किंग में लाया, और इन्होंने जो स्टैंडर्ड्स HTML के थे, HTTP जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं, और URLs यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, इसको डेवलप किया WWW को, और इसके अकॉर्डिंग कैसे उसमें वेब पेजेस इंक्लूड किए जाएंगे, कैसे ये प्रोटोकॉल्स वर्क करेंगे, ये सारी चीज़ों को उसमें उन्होंने इंक्लूड किया. इन 1991 द फर्स्ट वेब पेज वाज डेवलप्ड इन डेवलप 1991 में सबसे पहला वेब पेज डेवलप किया. फिर इन 1993 द फर्स्ट जियोग्राफिकल ग्राफिकल ब्राउजर मोज़ेक वाज रिलीज्ड, और 1993 में सबसे पहला जो ग्राफिकल वेब ब्राउजर होता है मोज़ेक, उसको रिलीज किया गया. द नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर वाज रिलीज्ड इन 1994, और वेब सर्फिंग स्टार्टेड इन द सेम ईयर, और उसके बाद 1994 में ही वेब सर्फिंग भी स्टार्ट हो गई. वेल, इंटरनेट, ARPANET, SFNet and several private networks merged together to form the internet as we know it today.
इन 1995, और 1995 में आर्पानेट, एसएफनेट और दूसरे प्राइवेट नेटवर्क्स मर्ज होके और आज जिस नेट इंटरनेट को हम देख रहे हैं उस इंटरनेट का रूप लिया। इन द सेम ईयर ईबे एंड amazon.com स्टार्टेड एक्टिविटीज ऑनलाइन, और उसी वर्ष ईबे और अमेज़ॉन जो कि कमर्शियल वेबसाइट्स हैं ये भी अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज स्टार्ट कर दिए। द फर्स्ट वेब मेल सर्विस नोन एज द हॉटमेल वाज लॉन्च्ड इन 1996, और वेब जो ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो हॉटमेल ने सबसे पहले वेब मेल सर्विस को 1996 में लॉन्च किया। द सर्च इंजन गूगल वाज लॉन्च्ड इन 1998, और जो सर्च इंजन जो आज का सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल जिसको बोलते हैं वो 1998 में डेवलप हुआ। ग्रोथ ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की ग्रोथ, ब्लॉगिंग एंड माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स ऑन द इंटरनेट बिगेन फ्रॉम 2003 ऑनवर्ड्स, और जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं, ये सब 2003 में और इसके बाद से स्टार्ट हो गई। दे हैव सीन अ फेनोमेनल ग्रोथ इन द पॉपुलरिटी ऑफ द इंटरनेट, और ये सब बहुत ही तेज़ी से इंटरनेट जैसे जैसे पॉपुलर होता गया ये सारी चीज़ें बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने लगी। ग्रोथ इन लोगों का हो गया, मतलब डेवलपमेंट हो गया। वेल टुडे इंटरनेट, टुडे द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, और आज जो इंटरनेट है ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। इट इज़ ग्लोबल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये ग्लोबल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स इंक्लूडिंग प्राइवेट, पब्लिक, बिजनेस, एकेडमिक एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स, और इसमें मतलब जो इंटरनेट होता है दैट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जिसमें कि मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, बिजनेस, एकेडमिक एंड गवर्नमेंट नेटवर्क सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। दीज नेटवर्क्स आर लिंक्ड बाय अ ब्रॉड एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, और ये जो नेटवर्क्स हैं जो लिंक किए गए हैं ये इलेक्ट्रॉनिक और जो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी को, नेटवर्क टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये इस्टेब्लिश किए गए हैं, बनाए गए हैं। ओके तो इतना आप समझिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे।